Hey students, how are you? So, इस वीडियो में क्या करने वाले हम लोग जो पॉइंट चार्ज का फील्ड उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस सुपर पोजिशन ये थ्योरी वाला पार्ट हमने पढ़ लिया था उस पे बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी एग्जांपल्स एक्सरसाइज नीट बेस्ड क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सपोज ये 10 माइक्रो कूलॉम का चार्ज है, यहां से 10 सेंटीमीटर पे आपको बताना है हाउ मच इज द फील्ड। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बट इससे थोड़ा आपको फीलिंग आती है कि एक्चुअली फील्ड का अमाउंट कितना होता होगा या फील्ड की वैल्यू कितनी रहती होगी, मैग्नीट्यूड कितना रहता होगा। सो ई की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 9 × 10^9 10 माइक्रो 10^-1 का होल स्क्वायर। सो दैट इज हाउ मच 9 and this is 10^10, 12, 6. So you can see, even if it is micro coulomb charge, it applies or it gives huge field at a point 10 centimeter away. Now, ये question बहुत simple सा है, NCERT का question है। क्या किया है इसमें? दो points आ जाते हैं, 3 micro coulomb and -3 micro coulomb. कितने डिस्टेंस पर रखे हुए, 20 सेंटीमीटर अपार्ट। मिड पॉइंट पे आपको फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बहुत सिंपल सा है, ये डिस्टेंस कितनी बच गई 10 और ये कितनी बच गई 10। तो आप बताओ फर्स्ट का फील्ड किधर आएगा, राइट में, बिकॉज इट इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होता है रेडियली इनवर्ड। तो इसका फील्ड अगर इनवर्ड आ रहा है तो इसका फील्ड भी इधर ही आएगा और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। क्यों, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो ई नेट को आप क्या लिख सकते हो, ई प्लस ई इक्वल टू व्हाट, टू ई, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है इसलिए। नाउ एक का मैग्नीट्यूड है कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा देखो आप, के इज 9 × 10^9, Q is how much? 3 micro. R is how much? 10^-1 whole square. 10 centimeter को अब MKS में ये लिख सकते हो। So this is ultimately what? 27 × 2, 54. 10^9 × 11 − 6. 5. So this is 5.4. 10^6 newton per coulomb. This is the value of electric field. Next part में क्या पूछा गया आपसे? If a third charge of this much amount is kept at midpoint, आपको क्या बताना है वहां पे, फोर्स बताना है उस पॉइंट पे। नाउ उसके लिए क्या करोगे आप, F इक्वल टू क्यू ई लगा दोगे। इसको रफ करते हैं, सो फोर्स इक्वल टू क्यू ई लगा दो। क्यू की वैल्यू कितनी है, अच्छा इसको आप कैसे लिखोगे, ये ए और बी पॉइंट है सपोज, तो आप इसको लिखोगे अलोंग ए बी वेक्टर और ए बी कैप। उसका क्या यूज है यहां देखते हैं। आपने ये रखा -1.5 × 10^-9 into, दिस इज द वैल्यू ऑफ फील्ड 5.4 × 10^6। नाउ दिस डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी वेक्टर, तो आप जब इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियसली वो डायरेक्शन क्या है कि बी टू ए वेक्टर, इसका मतलब टुवर्ड्स ए, ऐसा भी लिख सकते हो आप टुवर्ड्स ए। ये कैलकुलेशन 10^-3 तो आ गया 5.4 × 1.5। कई बार आप इसको थोड़ा इजिली भी दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, 5.4 × 1.5 का मतलब क्या होता है 5.4 एंड उसका हाफ एड है इसमें, इसका हाफ क्या होता है 2.7, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 8.1 × 10^-3, इसका मतलब 8.1 मिली न्यूटन टुवर्ड्स बी ए कैप। सो दिस इज द फील्ड एंड द फोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड स्पीड आफ्टर टाइम टी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस एंड स्पीड एट टाइम इक्वल टू टी।
सो इस पे फोर्स कितना लग रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज फिर से बता रहा हूं मैं, काइनेमैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर मोशन स्टडी करनी है मैग्नेटिज्म में भी ये बहुत काम आएगा, दैट मोशन स्टडी करनी है सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेलरेशन। अपने को सबसे पहले क्या निकालना होता है, एक्सेलरेशन, तब जाके पता चलेगा कि वो कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है, कैसे हैंडल करना है उसको। सो फोर्स कितना हुआ बताओ, QE, एक्सेलरेशन कितना हुआ, QE by m towards right because it is positive charge. So distance travel अगर आप निकालोगे तो वो वैल्यू कितनी होगी, UT plus half AT square, initial speed is zero, so that is half QE by m T square. So that is distance. Velocity क्या होगी, U plus AT, so that is zero plus QE by m into T. ये क्या बता रहा है आंसर, कि जो डायरेक्शन फील्ड की है वही डायरेक्शन किसकी होगी, वेलोसिटी की होगी। सो दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यही पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज गिवन है तो क्या होगा, आप लोग बताओ। अगर एक वेलोसिटी आपने u दे के इसको छोड़ दिया है इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ये एक्सेलरेट होगा या रिटार्ड, पॉज करके रोक के बताओ फटाफट। करेक्ट, क्या होगा, रिटार्ड होगा, क्योंकि इस पे फोर्स किधर लगेगा, रिवर्स डायरेक्शन में। सो यहां आपको क्या निकालना है, फाइंड स्टॉपिंग टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम एंड डिस्टेंस। So, आपको पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, फोर्स अपॉन मास माइनस क्यूई बाय एम। सो इसका मतलब दिस इज बेसिकली व्हाट, रिटार्डेशन, क्या है ये, रिटार्डेशन है। सो आप क्या लगाओगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डॉट एस, क्यों लगाएंगे बताओ, बिकॉज अपने को पता है फाइनली जाके स्पीड क्या होगी, जीरो, स्टॉप हो रहा है मतलब स्पीड क्या हो रही है, जीरो। यू स्क्वायर प्लस टू, एक्सेलरेशन किधर है, बैकवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हम निकाल रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो या तो आप यहां डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस 180 लिखो, या बहुत सिंपल करना है तो यहां डायरेक्टली क्या लिखो आप, यही सीधे माइनस लगा दो। सो यहां से स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन टू क्यू ई बाय एम, सो दैट इज एम यू स्क्वायर अपॉन टू क्यू ई, एम यू स्क्वायर अपॉन टू क्यू ई। नेक्स्ट, अगर अपने को स्टॉपिंग टाइम बताना है तो आप लगाओगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो दैट इज जीरो यू माइनस क्यू बाई एम इंटू टी, सो टी इज एम यू अपॉन क्यू। अगेन ऐसे क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड क्या होता है, ये एक्सेलरेशन वाला टर्म याद रखना, दैट ओनली एक्सेलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय क्यू बाय एम। तो हमने 11th में पढ़ा था स्टॉपिंग डिस्टेंस इज यू स्क्वायर अपॉन टू ए and the stopping time is u by a. So put QE by m in place of a. बस a की जगह पे ये उठा के रख दो, वन लाइन में आपका स्टॉपिंग टाइम भी आ जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस भी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। सपोज एक यूनिफॉर्म फील्ड है यहाँ पे, यूनिफॉर्म फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, इधर प्लस प्लेट और इधर माइनस प्लेट लेके प्रोड्यूस हो सकती है, कैपेसिटर की प्लेट लेके, हाउएवर कैसे भी प्रोड्यूस हो रही है, देयर इज यूनिफॉर्म फील्ड ई वेक्टर फ्रॉम प्लस टू माइनस चार्ज, इतना तो अभी हमने देखा था। सो सपोज अ प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम हियर, दिस डिस्टेंस इज सपोज एच, एक प्रोटॉन को आपने यहां से रिलीज किया, किधर भागेगा वो, नीचे की तरफ भागेगा। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज टाइम टेकन बाय प्रोटॉन टू रीच दिस प्लेट और द सेकेंड प्लेट। सो अगेन क्या करना पड़ेगा अपने को बताओ, आप लगाओगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो दिस इज h इक्वल टू जीरो प्लस हाफ क्यू बाई एम टी स्क्वायर। सो t की वैल्यू क्या आ गई, रूट ओवर टू एम एच अपॉन क्यू, रूट ओवर टू एम एच अपॉन क्यू। नेक्स्ट, यही सेम केस अगर इलेक्ट्रॉन के लिए होता तो इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज करते वो ऊपर भागता, क्योंकि उस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिवर्स डायरेक्शन में। याद आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में। तो अगर आपसे ये रेशियो पूछा जाएगा फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सपोज ये रेशियो अगर आपसे पूछा जाए कोई भी दो पार्टिकल के लिए, सो सपोज फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये रेशियो फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे
तो क्या होगा, H और E तो दोनों के लिए सेम है, तो आप ऐसा लिखोगे रूट ओवर टू एम एच, और यह मास प्रोटॉन का आएगा, चार्ज प्रोटॉन का आएगा, नीचे किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का आएगा। तो ये इतनी तो प्रैक्टिस आपकी हो ही गई होगी दैट हम जब डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, मास एंड चार्ज। सो दैट विल बी मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर क्या हो जाएगा उल्टा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इसका भी शॉर्ट मेथड अगर वन लाइन में निकालना होता तो आपको याद होगा फ्री फॉल का टाइम क्या होता था, रूट ओवर टू एच बाय जी, बस जी की जगह क्या रख देना है आपको, क्यू बाय एम, जी की जगह पे क्या रख देना है, क्यू बाय एम रख देना है। एक इसी पे बेस्ड कॉम्पिटेटिव का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वैसे तो बोला था सारा पूरा एनसीईआरटी का ही हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज ये रेशियो टाइम का आपसे पूछा जाएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर पार्टिकल्स टू ट्रेवल एच डिस्टेंस, और ऐसा भी लिखा होता है टाइम टेकन टू फॉल थ्रू डिस्टेंस एच, ठीक है, एच डिस्टेंस ट्रेवल करने में, उसमें फॉल करने में जो टाइम आ रहा है उसका रेशियो निकालना है आपको फॉर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो ये बहुत सिंपल सा होता है, पहले आप ये समझना, ये रिप्रेजेंटेशन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ये है अल्फा पार्टिकल के, रिमेंबर इसमें किसी में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दिस इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो नीचे वाली नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करती है बताओ, चार्ज, ऊपर वाली नंबर क्या रिप्रेजेंट करती है, मास, बिकॉज ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोथ है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। नाउ अगर ये रेशियो हम लोग निकालेंगे फॉर प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, तो आप लोग बताओ ये टाइम का रेशियो किसके प्रोपोर्शनल आता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एम बाई क्यू। तो फटाफट कैसे करते हैं, सिर्फ एम बाई क्यू का रेशियो देखो, वन इज टू वन, हियर टू अपॉन वन इज टू फोर इज टू टू, आंसर क्या आ गया, वन इज टू रूट टू इज टू रूट टू। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है, एनसीईआरटी भी इसको पूछ सकती है और नीट और मेंस में तो आ ही सकता है। तो ये एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कुछ लोगों को देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत ही इजी है, वन लाइन का इसका सॉल्यूशन होता है। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में एक ऑयल के ड्रॉप को ऐसा होल्ड करके रखा गया है अंडर ग्रेविटी एंड अंडर कॉन्स्टेंट फील्ड, तो आपसे पूछा गया है उसकी रेडियस कितनी होगी, तो ऑब्वियसली इस पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, इसमें लिखा है हेल्ड स्टेशनरी, इसका मतलब उस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो, एफ नेट जीरो है बिकॉज इधर एम जी लग रहा होगा और इसके अगेंस्ट पक्का क्या लग रहा होगा, क्यू ई लग रहा होगा। तो आपको बस लिखना है यहाँ पे यही है एम जी इक्वल टू क्यू ई, रेडियस ऑब्वियसली कहां से आएगी, यहां से मास वाले टर्म से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, ग्रेविटी, चार्ज की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 12 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, बिकॉज उसमें लिखा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, 12 इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई। तो यहां से आप सीधे ए की अननोन है, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, आर की वैल्यू निकालनी है, सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 12 इंटू दिस 3/4, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 9 ई ई अपॉन पाई रो जी, और इसका क्या क्यू रो, तो ये मल्टीप्लाई हो गया इधर, ई और ई का टर्म आ गया, पाई नीचे आ गया, रो भी नीचे आ गया, ग्रेविटी भी नीचे आ गई। ये जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू आती है 9.84 × 10⁻⁴ मिलीमीटर, इसका मतलब बहुत ही स्मॉल ड्रॉप है ये, और ये कैलकुलेशन वाला पार्ट यहां में नहीं करा रहा, वो आप कर लेना, ये वैल्यू यहीं से आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी एनसीईआरटी का ही लेते हैं, बट वो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, आज एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के करेंगे एनसीईआरटी का, गंदी मिमिक्री है ना, क्वेश्चन अच्छा कराऊंगा। लेकिन सी सपोज ये एक चार्ज के प्लस प्लेट और ये एक माइनस प्लेट है, यहां गिवन है दैट कुछ चार्जेस को प्रोजेक्ट किया गया है, यहां एक चार्ज का पाथ ऐसा शो किया हुआ है, दूसरे चार्ज का पाथ भी ऐसा शो किया हुआ है, तीसरे का इधर शो किया हुआ है, तीसरे का इधर शो किया हुआ है। आपको पहले तो इनके साइन बताने हैं और फिर ये बताना है दैट किसका चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है,
इसका कई जगह पे मैंने देखा है कुछ अलग अलग टाइप का भी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कुछ बुक्स में, आप इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन देखना अच्छे से कि ये डिसाइड कैसे होगा चार्ज बाय मास रेशियो। तो इतना तो पक्का है कि जो चार्जेस प्लस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो कैसे चार्जेस है, नेगेटिव वन एंड टू आर नेगेटिव चार्जेस एंड थर्ड चार्जेस पॉजिटिव, ये बहुत ऑब्वियस है। बट चार्ज बाय मास रेशियो किसका ज्यादा है उसके लिए एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन बता रहा हूँ जो एक सेपरेट क्वेश्चन भी होता है, वो अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। दैट सपोज ये कोई प्लेट है, यहाँ प्लस चार्ज है, आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, इस पे बेस क्वेश्चन भी है आगे, इसके ध्यान से देखना। ये लेंथ प्लेट्स की एल है और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, ये जब यहां से ऐसा बाहर निकलेगा ऑब्वियसली किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस चार्ज है तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मोशन कैसी है, 1D है या 2D है या 3D है, 2D है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो 2D का कॉन्सेप्ट क्या हमने पढ़ा था 11th में, दैट अगर ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, क्लियरली जस्ट एनालाइज एक्स एंड वाई सेपरेटली, एक्स और वाई को अलग अलग एनालाइज कर लो। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियली कितनी है, ये वेलोसिटी गिवन रहेगी, सपोज दिस वेलोसिटी इज वी, y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना है जीरो, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है जीरो, और y में कितना होगा अगेन qe by m, qe by m। x डायरेक्शन में अगर आप इक्वेशन लगाओगे तो आप क्या लिखोगे, s इक्वल टू ut, sx इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये कितना आया बताओ vt, ये डिस्टेंस कितनी है l, यहां से ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगर आपको y डायरेक्शन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो कितना होगा बताओ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो बिकॉज पूरी वेलोसिटी x में थी पहले, एक्सेलरेशन कितना है qe by m, और यहां से t की वैल्यू उठा के पुट कर दो बिकॉज क्वेश्चन में t तो गिवन था नहीं, सो दैट इज l अपॉन v होल स्क्वायर, सो दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये आगे के भी क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसको बहुत अच्छे से देखना। सो y इज बेसिकली हाफ qe by m l by v होल स्क्वायर, l by v होल स्क्वायर। नाउ यहां से ये डिसाइड करना है किसका चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होगा, तो आप यहां थोड़ा पॉज करके थोड़ा सा सोचना, वापस आना, मैं इसको रब कर रहा हूं। सो क्या दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में किसका है, मैग्नीट्यूड वाइज, प्लस माइनस नहीं, मैग्नीट्यूड जो है वाई डिस्प्लेसमेंट का वो थर्ड के लिए क्या है सबसे ज्यादा है, देन किसके लिए फर्स्ट के लिए, देन किसके लिए है सेकेंड के लिए है। तो इसका मतलब Q by M रेशियो भी किसके लिए ज्यादा होगा, Q by M रेशियो फॉर 3 इज मैक्सिमम, देन फॉर 1 एंड देन फॉर 2। आप बेसिकली यहां मॉड भी लिख सकते हो बिकॉज इसमें कुछ चार्जेस पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है, हाउएवर Q by M का जो रेशियो है मैक्सिमम किसके लिए है थर्ड के लिए, देन फर्स्ट के लिए, देन किसके लिए सेकेंड के लिए। अभी एक क्वेश्चन हमने मिड पॉइंट पे फील्ड निकालने वाला डेटा के फॉर्म में किया था, अभी मैं इसको एक सिंबॉल के फॉर्म में एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखना। सपोज टू पॉइंट चार्जेस आर देयर, क्यू एंड माइनस क्यू, आर डिस्टेंस अपार्ट, आपको कैलकुलेट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड फील्ड एट थ्री पॉइंट्स, ए दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ ये पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या क्या है वो थोड़ा समझना, ए इज द मिड पॉइंट मतलब ये r by 2 और r by 2 है, b पॉइंट इज सच दैट ये जो डिस्टेंस है प्लस q से दिस पॉइंट इज r by 2 डिस्टेंस अपार्ट, और यहां ये डिस्टेंस कितनी है, सो दैट दीज टू डिस्टेंसेस आर r, ये भी r है और ये भी क्या है r है। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन क्या है, फाइंड फील्ड एट ए बी एंड सी, पॉइंट्स ए बी एंड सी। सो फर्स्ट पॉइंट ए पे फील्ड कैसे निकालोगे,
अभी अभी हमने ऐसा इक्वेशन किया था फील्ड एट के में, इसका फील्ड क्या आएगा प्लस वाले का बताओ, के क्यू अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर, कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, आप चाहो तो आई कैप लिख सकते हो। माइनस क्यू का कितना आएगा बताओ, के क्यू अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर, अगेन आई कैप, तो बेसिकली ये क्या आ गया 2kq upon r square divided by 4, ये 4 ऊपर ले जाओ, so that is 8kq upon r square। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ लोग इसके फील्ड को डबल करना चाहते हैं तो 2kq upon r square के बाद डायरेक्टली कर देते हैं, कुछ लोगों से ऐसा होता है, आप उसको करोगे सॉल्व एक्चुअली तो क्या आएगा वहां पे 8kq upon r square। नेक्स्ट, अब बी पॉइंट पे निकालना है अपने को फील्ड, सो बी पॉइंट पे फर्स्ट का फील्ड तो किधर आएगा माइनस आई कैप में, तो आप क्या लिखोगे के क्यू अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर माइनस आई कैप, माइनस वाले का फील्ड किधर आएगा प्लस आई कैप में, बिकॉज अगर यहां एक टेस्ट चार्ज रखा तो ये माइनस वाला क्या करेगा उसको अट्रैक्ट करेगा, ये अवे ये टूवर्ड्स ऐसा फील्ड देगा, सो ड्यू टू प्लस चार्ज फील्ड इज हियर, ड्यू टू माइनस चार्ज फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं KQ अपॉन यहां से डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई 3R by 2 होल स्क्वायर I कैप, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 4KQ अपॉन R स्क्वायर विद माइनस साइन, और ये कितना है 4KQ अपॉन 9R स्क्वायर, इसमें आप I कैप बाहर ले सकते हो, अगर आपने यहां से 4KQ अपॉन R स्क्वायर कॉमन लिया 4KQ upon R square, so ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन प्लस वन बाई नाइन आई कैप, सो दैट कैप रिटन एज व्हाट माइनस एट बाई नाइन, दिस इज माइनस एट बाई नाइन, एट फोर्स आर 32, सो 32 KQ upon 9R square I कैप माइनस आई कैप, इट मीन्स टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, इट मीन्स टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। नाउ ये दोनों पार्ट आप नोट कर लो, अभी मैं सी पॉइंट पे फील्ड बता रहा हूं, इसमें क्या हुआ या तो फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में थे या तो कैसे डायरेक्शन में थे अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो इसको हैंडल करना इजी था, डायरेक्टली ऐड हो गया डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो गया इसका मैग्नीट्यूड, वहां पे क्या होगा सी पॉइंट पे वो देखते हैं। सी पॉइंट पे अगर आप फील्ड देखोगे तो ऐसा हमने पहले भी किया है फोर्स कैलकुलेट करते समय, इधर की तरफ एक आएगा फील्ड, ये किसका आएगा फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, ये आएगा फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, क्यों आएगा बताओ प्लस चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज माइनस चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है बिकॉज चार्जेस इक्वल अमाउंट के हैं इक्विडिस्टेंट है इस पॉइंट से, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो बेसिकली क्या होगा सेम होगा, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा इस डायरेक्शन में E net। अब इस E net को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, थोड़ा आराम से देखना, अगर आप कंपोनेंट वाइज देखोगे सपोज इसका मैग्नीट्यूड डी E है, इसका मैग्नीट्यूड डी क्या है E है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो E प्लस को आप क्या लिख सकते हो इक्वल टू दिस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला। अब इसका कंपोनेंट कैसे लेते थे याद करो, e cos theta i cap e sin theta j cap, so this is e cos theta i cap plus sin theta j cap, इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा e minus kq upon r square, x कंपोनेंट पॉजिटिव y कंपोनेंट नेगेटिव, cos theta i cap minus sin theta j cap, तो E net की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करोगे तो KQ upon R square 2E cos theta, sorry it is 2 cos theta, so it is 2 cos theta I cap, so जिनका डायरेक्टली कॉन्सेप्ट क्लियर है फोर्स में जैसे हमने निकाला था तो आपको डायरेक्टली भी समझ में आ रहा है कि ये 2E cos theta ही आता है, E और E 2 theta पे जब होता है तो रिजल्टेंट कितना आता है 2E cos theta, बट पूरा अगर लिखना है तो ये इसका मेथड है, सो दिस इज हाउ मच 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कॉस थीटा इज हाउ मच, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज आर बाई टू एंड दिस इज व्हाट आर,
So cos theta is base upon hypotenuse. So that is r by 2 upon r. So 1 by 2 यहां से cancel हो गया. Field is ultimately kq upon r square. ठीक है. Now इसकी direction भी आप कैसे लिखोगे? Inner direction parallel to line joining plus to minus charge. Inner direction parallel to line joining plus and minus charge. क्या इसका एक शॉर्ट मेथड हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था. ओरली भी कर सकते थे हम लोग इसको. ये भी E है, ये भी E है. कितने एंगल पे है? R, R और ये पूरा R. मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. सो दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 120. तो आपको पता है 120 एंगल पे E एंड E का रिजल्टेंट कितना आता है? अगेन E ही आता है. एंड व्हाट इज E? KQ अपॉन R स्क्वायर. फिर से इसको समझो. This is E, this is also E. Magnitude wise, both are same. And this angle is 60, this will be 60. So this total angle will be 120. So 120 degree pe E and E ka resultant kitna hota hai? E hota hai. So this is directly E. But school exam mein to aapko ye likhna chahiye itna. Now sirf do question main competitive level ke liye karwa raha hu, kyunki aapko bola tha 90% part is video ka बोर्ड पे फोकस होगा. थोड़ा तो पढ़ ही लेते हैं कॉम्पिटिटिव. तो दो क्वेश्चन में करा रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना. सपोज दिस इज अ पेंडुलम. ये एक पेंडुलम है, उस पर नीचे पॉइंट चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू. कुछ इसका मास भी होगा. ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज फील्ड एट पॉइंट पी इज ई वेक्टर. फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पी इज ई. नाउ टू मेजर दिस ई, टू मेजर दिस ई वी ब्रिंग अ चार्ज क्यू नॉट एट पी एंड फोर्स ऑन इट इज measured as F. यहां मेजर करने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लाते हो आप? एक क्यू नॉट लाते हो उस E की वैल्यू मेजर करने के लिए. वहां पे फोर्स कितना लगता है? F. देन ऑप्शंस आर E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, E इज ग्रेटर देन F अपॉन क्यू नॉट, E इज लेस देन F अपॉन क्यू नॉट. तीसरी लास्ट पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, फोर्थ पॉसिबिलिटी. बट वहां पे हो सकता है नन ऑफ दीज लिखा रहेगा या डेटा इनसफिशिएंट कुछ भी लिखा रहेगा लास्ट ऑप्शन पे. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है? आप इसको थोड़ा सा पॉज करके आंसर लाने की कोशिश करो, सोचो, फिर वापस आओ. तो इसमें कई लोगों से मिस्टेक ये होती है कि ये लिख देते हैं फोर्स अपॉन चार्ज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू उसकी डेफिनेशन से. बट दैट इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है थोड़ा समझना. यहां कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है दैट क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज. क्यू नॉट टेस्ट चार्ज नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है वी ब्रिंग द चार्ज क्यू नॉट. और क्यू नॉट अगर कोई चार्ज है तो वो इसको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा. डिस्टर्ब करेगा, मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब उस चार्ज को कैसा लेना है आपको? पॉजिटिव. वो इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा रिपल करेगा, पेंडुलम थोड़ा दूर भागेगा इक्विलिब्रियम में, कहीं पर भी दूर जाएगा. और अगर दूर जाएगा तो एक्चुअली जितना फोर्स लग रहा था अब उससे कम फोर्स लगेगा. तो इसका मतलब F जो मेजर हो रहा है, F measured now, F measured now is less than QE. उस पॉइंट पे फील E था, पहले से फोर्स कितना लग रहा था उस पर? अगर यहां एक चार्ज लाते और ये अगर मूव नहीं करता, फील उतने का उतना ही होता, तो कितना फोर्स लगता? QE. बट ये मूव कर गया और यही वाला मेजर्ड फोर्स क्वेश्चन में गिवन है दैट If you bring Q naught, then the force acting is F. So F is less than QE. Then E must be greater than F upon Q. F upon Q naught. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इवन इफ कुछ लोग अगर ये सोच भी लेते हैं दैट ये चार्ज दूर भागेगा, तो उनको लगता है कि लेस देन होना चाहिए, तो वो ये ऑप्शन कर देते हैं, चार्ज दूर चला गया फील्ड कम हो जाएगा. ऐसा नहीं है. हमसे फोर्स बोला गया है सेकेंड केस में. सेकेंड केस का फील्ड थोड़ी गिवन है, सेकेंड केस का क्या गिवन है? फोर्स. तो फोर्स होगा कम, इसका मतलब इनिशियली जो फील्ड था वो क्या था? ज्यादा था. किससे? एफ अपॉन क्यू नॉट से.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक का पार्ट हमने निकाला था कि यहां से जब ये चार्ज डेविएट होगा तो कितना डेविएट होगा, इसका थोड़ा सा आगे का पार्ट करते हैं। आगे एक स्क्रीन रख दी है हमने, जब यहां से चार्ज बाहर निकला स्क्रीन पे जाके टकराएगा, तो आपको ये बताना है अगर ये ओरिजिन हमने अज्यूम किया है तो कितने वाइड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे जाके इसको टकराना है। सेकंड, आपको ये बताना है इसका डेविएशन कितना हुआ, नेट डेविएशन। सो फर्स्ट आपको क्या बताना है, नेट वाई डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकेंड क्या बताना है, नेट एंगुलर डेविएशन। एंगुलर डेविएशन, तो वैसे ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा आराम से समझो, क्वेश्चन का डायग्राम आप अलग से बना लेना, मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूं। ये पार्टिकल तो ऐसे यहां तक डेविएट होके जाएगा, यहां तक तो इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक, बट यहां से ये फील्ड के बाहर चला गया है। फील्ड के बाहर चला गया है तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली ग्रेविटी फ्री केस में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, नो ग्रेविटी इज देयर। यहां से जैसे ये बाहर निकलेगा वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो ये थीटा भी अपने को निकालना है, क्योंकि जितना वेलोसिटी टर्न करेगी उतने ही एंगल से इसका डेविएशन होगा। एंगुलर डेविएशन का मतलब किसका डेविएशन, वेलोसिटी का डेविएशन। सो ये थीटा बताना है और ये टोटल वाई बताना है, तो बहुत आराम से आप समझना इसको। पहले हम लोग थीटा निकालते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री से ये वाई टू निकाल देंगे। वाई वन तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, वाई वन कितना निकाला था हमने थोड़ी देर पहले बताओ, वाई वन वॉज हाफ ए टी का स्क्वायर, उसको थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूं मैं, ए कितना था बताओ, क्यू ई बाय एम, या इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन रहेगा क्योंकि ये उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, क्यू ई बाय एम। टी की वैल्यू कितनी थी, एल बाई वी होल स्क्वायर, इसका चार्ज क्यू है, इसकी वेलोसिटी क्या है, वी है। तो ये तो वाई वन आ गया, अब जब तक थीटा नहीं मिलेगा तब तक वाई टू भी नहीं मिलेगा। थीटा कैसे मिलेगा, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा आप आराम से समझना, deviation of the particle is deviation of velocity, deviation of particle is deviation of velocity, तो जितना इसमें deviation कितना आ रहा है, जो इसकी velocity का deviation है, तो वो कैसे होगा, tan theta अगर अपने को निकालना है तो आप ये लिख सकते हो final velocity y component upon x component। थोड़ा समझना, अगर ये कोई भी vector v है, velocity हो सकता है, force कोई सा भी हो सकता है, if you are measuring angle with x एक्सिस, x से एंगल मेजर करते हो तो tan थीटा क्या आता है, vy by vx, y से मेजर करते हो तो क्या आता है, vx upon vy, vy की वैल्यू क्या होगी, v equal to u plus at लगा दो, so y डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, बिकॉज वेलोसिटी वॉज इनिशियली अलॉन्ग x एक्सिस। at कितना है x डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इज qe by m into t, vx will remain v, vx की वैल्यू तो v रहेगी बिकॉज x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। t हमने कितना निकाला था याद करो, s इक्वल टू ut से, s इक्वल टू ut से वैल्यू आप पुट कर दो, so tan theta इक्वल टू qe by m l by v and this is v, so tan theta is qe l upon mv square, tan theta is qe l upon mv square। तो यहां से पहले मैं सेकेंड पार्ट का आंसर लिख रहा हूं, दैट थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स क्यू ई एल अपॉन एम वी स्क्वायर, तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, बिकॉज आगे का कैलकुलेशन किसका है, नेट डिस्प्लेसमेंट का, नेट वाई डिस्प्लेसमेंट का, तो आप इसको थोड़ा नोट कर लो। y2 अगर अपने को निकालना है तो y2 कैसे करोगे, देखो थोड़ा ध्यान से, y2 अपॉन दिस d इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, tan थीटा कितना है, y2 अपॉन d इक्वल टू, दिस इज tan थीटा, qe l अपॉन mv स्क्वायर, सो y2 क्या आ गया बताओ, qe l इनटू d अपॉन mv स्क्वायर, सो दिस इज y2। y1 हमें अभी कितना निकाला था हमने, हाफ ए टी का स्क्वायर, सो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा बताओ, y1 प्लस
वाई टू, दोनों को आप ऐड कर देना, दैट विल बी योर आंसर। तो ये लास्ट के जो दो क्वेश्चन हमने किए हैं, लास्ट वाले दो क्वेश्चन, वो कॉम्पिटेटिव के लिए था, जिनको सिर्फ बोर्ड एनसीईआरटी पे फोकस करना है वो आप उसको लास्ट वाले दो क्वेश्चन छोड़ सकते हो। अदरवाइज मोर ओवर ये पूरा बोर्ड फोकस्ड लेक्चर था। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका जो कॉम्पिटेटिव पार्ट बच गया है फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, एन एफ इक्वल टू क्यू ई पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो होता है वो भी अपने को पढ़ना है आगे। तो मैं ब्रेकफास्ट करके एक मूवी देख के आता हूं, तब तक आप लोग वेट करो, मजाक कर रहा हूं, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।